जब वोट लेने का टाइम आता तब बोलती है सब समस्या दूर करेंगे महिला सब। पानी समस्या क्या समस्या हम लोग दादा? हाँ मौसी देगा। आपका छवि खराब हो रहा था, इससे इन लोग का छवि खराब नहीं हो रहा है। ये लोग जो आवाज आए घघरा बस्ती जहाँ पे कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाए थे और एक जल मीनार और है वो भी काफी दिनों से खराब है। तो हम यहाँ के जनता से ही बात करते हैं कि कब से क्या खराब है और कितने दिन से ये ऐसा है। कब से ही खराब है ये? विधायक नहीं बनने से पहले से ही खराब है। विधायक नहीं बनने से पहले से खराब है। हाँ। उसके बाद हम लोग इसको मैंने लाइन से चलाने लगे मशीन बोल ला के, उसके बाद में भी जल गया मशीन भी। मशीन भी खराब है। खराब है तो इस पर आप लोग शिकायत नहीं किए थे? कैसे नहीं किए थे, ममता देवी वास बाद में बना उसका टाइम गए थे हम लोग उसका घर। और ये मुखिया फंड से बना है ना ये? हाँ मुखिया फंड से बना। तो मुखिया पास आप लोग गए थे? मुखिया पास तो कोई सुनवाई नहीं करता है, मुखिया दारू पी के सूता रहता है। मुखिया दारू पी के सूता नहीं बोलते हैं आप? हम मुखिया कहाँ बनाए? वो कहा बोले कुछ नहीं बोल पाएगा। मुखिया का उसका कोई अथी नहीं है, मुखिया का कोई अथी नहीं, वो अपना देखता है। हम लोग का यहाँ कोई उसका कोई सुनवाई नहीं है, ना कुछ नहीं दिया है पानी का कुछ नहीं, ना इंदिरा आवास है, ना पानी का, ना कोई चीज का साधन नहीं है। तो मुखिया का यहाँ शौचालय तक तो नहीं है यहाँ जैसे ये आप लोग जैसे बोले कि अपने से चला रहे थे तो क्या पैनल खराब हो गया? हाँ पैनल तो पहले से खराब है, बजर मार दिया था। बजर मार दिया था। हाँ। उस पर आप लोग कंप्लेन किए थे गए के? हाँ गए थे ममता देवी के पास, बाद में गए थे हम लोग विधायक बन गया। हाँ। उस टाइम गए थे विधायक बनने के बाद में ममता देवी पास गए। हाँ तो उसके बाद वो गया कागज वगैरह लिख कर दिए थे हम लोग, तो बोला ठीक है बना दो। कागज वगैरह लिख के दिए थे तो बोले बना दें। बना देंगे, देख लीजिए। आप विधायक बने थे उसके बाद में लोग गए थे, आपको कागज वगैरह भी लिख के दिए कि आप बना देंगे, बट क्या बना दे रहे हैं तो दिख ही रहा है यहाँ पे। बाकी कुछ महिला है उनसे बात करते हैं। कुछ कब से खराब है ये? दो साल से पानी नहीं आ रहा है। नहीं पानी आ रहा था। लाइन के से? लाइन से जब उड़ गया था हम लोग लाइन से कनेक्शन किया पानी। मतलब तो पानी कितना दिन से आना बंद हुआ? दो साल अगले साल का जो होली है उस टाइम खराब हुआ है, पानी आना बंद हुआ है। बाकी बात पैनल है मैंने 2 साल से खराब है। मतलब खुद से आप लोग बना के चला रहे थे? लाइन से करके हम लोग चला रहे थे। पानी का दिक्कत है यहाँ पर नहीं है कुछ। बाइक पास आप लोग गए थे? गए थे। तो वो क्या वहाँ से यहाँ से हम लोग औरत लोग सिग्नेचर विग्नेचर करके भेज दिए थे, लिस्ट बना के कि हम लोग का ऐसा ऐसा हो गया है कह के। तो वो तो नहीं सुने। और मुखिया तो यहाँ मुखिया का ध्यान नहीं देते हैं, मुखिया ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप लोग विधायक पास गए। तो देखिए विधायक जी, हमारे ममता देवी जी जो यहाँ के लेडीज सब सिग्नेचर करके आपको दिए हों दिए कि खराब है ताकि आप रिपेयरिंग करेंगे, और ये 1 साल हो गया। और ये इसलिए गए थे आपके पास क्योंकि यहाँ के मुखिया है जो जैसा कि लोग बताए वो दारू पी के सोए हुए रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं। कोई चीज करने के लिए जाएंगे तो उसके पास तो बोतल चाहिए। मतलब कोई चीज करने के लिए जाएंगे तो कुछ भी करने के जाएंगे, सही करने के लिए जाएंगे तो 1.5 चाहिए। मतलब एक हाफ बोतल सीओ साहब हमारे और वीडियो साहब देख सकते हैं, ये मुखिया है, ये जो मुखिया पास अगर ये लोग कुछ भी जाते हैं तो 1 हाफ बोतल चाहिए तब जाके वो कार्य करेंगे। तो आप लोग इन पर भी संज्ञान लीजिए कि ऐसा योग क्यों करते हैं। पिक्चर करवाने के लिए जाते हैं तो 1 बोतल चाहिए, वो बोतल तो आप समझ ही सकते होंगे कौन सा बोतल का वो डिमांड कर रहे होंगे। तो ऐसे कार्य कर रहे हैं और इसीलिए ये लोग ममता देवी पास गए थे, विधायक जो आपके पास गए थे ताकि आप इन लोग की समस्या समझ सके, क्योंकि आप एक खुद महिला है और महिला होके महिला का दर्द नहीं समझ पाए। 1 साल हो गया जब मैं कुछ दिन पहले इसी गांव का उस तरफ है जहां पे मैंने वीडियो बनाया, तो उस वीडियो बनने के बाद में सीओ साहब और वीडियो साहब आके उस मशीन को निकाल के ले गए और बोले 4 दिन में बन के आ जाएगा, मगर 4 का 20 हो गया, आज 21 हो गया है, बट अभी तक वहाँ बन की नहीं आया। और यहाँ भी आए थे? यहाँ क्या बोले यहाँ देखा आए थे? आए तो हाँ ठीक कर देंगे बोले, आए बोला कल आएंगे। तो नहीं बोले कब ठीक कर देंगे आप लोग? बोले तो हम लोग विश्वास किए कि हाँ ठीक कर देंगे, मिस्त्री भेजेंगे। मिस्त्री भी आए थे दो बार मिस्त्री आए थे क्या कौन थे हम लोग तो नहीं पहचानते हैं, लेकिन आदमी लोग यहाँ आए थे, जमा हुए थे।
फिर वो इकट्ठा हुए थे वहाँ पर। कितना दिन में रिपेयरिंग हो गया, हो जाएगा बोले थे कुछ? अब मशीन ले जाएंगे तब ना पता करेंगे बोल रहे थे। मशीन ले गए? मशीन कहाँ, यहाँ का मशीन लेके नहीं गए, दूसरे जगह का लेके मशीन लेके ही नहीं गए? नहीं नहीं गए, सिर्फ यहाँ से देख के गए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप यहाँ आए और यहाँ का मशीन ही नहीं ले गए हैं रिपेयरिंग करने के लिए, क्या न्यू मशीन ला के लगाइएगा या फिर अपने आप ठीक हो जाएगा ये चपाकल, ये आप बताइए। और विधायक जी, आप भी विधायक हैं, जरा पूछिए वीडियो सीओ साहब से कि वो जब यहाँ आए और यहाँ के जनता को बोल के गए कि यहाँ पर हम बना के देंगे कुछ दिन में, जब यहाँ का मशीन ही वो नहीं ले गए हैं रिपेयरिंग करने के लिए, तो वो क्या करेंगे? नया मशीन ला के लगाएंगे या फिर ऐसे ही पड़े हुए रहेंगे यहाँ, ऐसा ही जनता को बस ठगा जाएगा? और चुनाव के टाइम वो आए थे इधर? हाँ आए थे विधायक। क्या बोल, चुनाव के टाइम तो दीदी मोदी सब बन के बोले दो वोट दो, सब मतलब दिलवाएंगे, विधवा पेंशन मतलब दिलवाएंगे। अभी जो विधवा है उसको पेंशन नहीं मिल रहा है, मतलब विधवा है उनको भी पेंशन नहीं मिल रहा है। तो वो बोली हाँ करवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं, जब बस चुनाव होगा तब आएगी वोट मांगने के लिए, और फिर जब उसका जरूरत खत्म हो जाएगा उसके बाद कोई दीदी कोई मोसी नहीं। ये कहीं ना कहीं हर नेताओं का ही करनामा है कि अगर हम दिखाते हैं तो हमको बोल रहे थे आपकी FIR कर देंगे। आप बताइए आपकी आप पर कौन सा FIR किया जाए, जब आप चुनाव के टाइम पे आते हैं और ऐसे जनता को, भोली भाली जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करके चुनाव में वोट पाते हैं, चुनाव में जीतते हैं, उसके बाद में यही जनता लोग को आप भूल जाते हैं इस तरह। एक साल से ये खराब है, यहाँ की महिला सब आपको सिग्नेचर करके एप्लीकेशन लिख के दिए और अभी तक आप सोए हुए हैं, कहाँ पे हैं? क्या आपको टाइम नहीं मिलता है? हाँ आप बोले थे कि आपको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से आपको हर जगह समस्याएं पता चलती है, तो इसीलिए मैं फिर यहाँ पे आया हूँ और यही समस्या दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको शौचालय भी नहीं है, अगर आपके तक ये वीडियो जाएगा तो फिर यहाँ पे सीओ और वीडियो भेजिएगा, यहाँ का मशीन को रिपेयरिंग करने के लिए ले जाने के लिए बोलिएगा। क्या शौचालय घर घर में चाहिए कि मतलब गाँव में 5 तो चाहिए? नहीं ये तो शौचालय हर घर के लिए है, तो यहाँ तो घर घर में नहीं है, गांव में 4-5 तो होगा शौचालय, पूरे गांव में 4-5 हो, वो भी खत्म है, देखिए सामने है, वो देखिए खत्म हो गया, इतना किया कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। इसमें 3.5 फीट का शायद रहता है गड्ढा, 2 गड्ढा कूड़ाता है, तो 2 गड्ढा है, 2 गड्ढा वो खत्म हो गया, गड्ढा नहीं है, मतलब मात्र 5 ही घर, 4-5 घर में है, उससे ज्यादा नहीं है। और इंदिरा आवास कुछ नहीं मिलता है, इंदिरा आवास घर नहीं चाहिए, इंदिरा आवास भी नहीं मिला, कुछ नहीं, बट अभी तक कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं है। इस पर आप लोग विधायक के पास गए थे क्या? इस बार नहीं गए, अभी नहीं गए, मतलब हर एक बार नहीं गए, वो सुनते ही नहीं, तो उससे देख सकते हैं आप, एक खुद महिला है और महिला का दर्द नहीं समझते हैं, फिर आप महिला विधायक बन के ही इन लोग विधायक बना के ही इन लोग को क्या फायदा मिला? यहाँ इतना हाथी भी घुसता है, लेकिन लाइट सब खराब हो गया, कम से कम लाइट चाहिए ना गांव के लिए, सब खत्म हो गया है, पहले जो दिए थे वो सब खराब हो गया है, खराब हो गया, उसके बाद में कोई रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है, एक बार लगा खराब हो गया तो हो गया, मैंने लगने के बाद में खराब हो गया, उसके बाद में कुछ देख रेख नहीं, कुछ नहीं। ममता देवी कभी आती भी है तो सिर्फ गाड़ी से आती है और गाड़ी से ही जाती है, कभी यहाँ उतर के नहीं देखती, और पूछती भी नहीं है कि यहाँ की महिला यहाँ की मतलब कैसे आती है। दीदी दादा हाँ देगा मिलेगा, वोट दिया दीदी भैया का, वोट लेने के टाइम दीदी भैया का, और अभी अभी आते हैं तो अभी गाड़ी से भी नहीं उतरती, गाड़ी से भी नहीं, जो पढ़ने जानती है वो जानती है ममता देवी का है ये गाड़ी, जो नहीं जानती वो जा रही है अपनी गाड़ी, जो पढ़ने के जानते हैं बात उसे सही है, तो आना जाना करते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, सब आदमी नहीं जानते, यहाँ घर भी गिराया है शायद करमाली टोला में, तो वहाँ बोली कुछ देंगे तो वो भी नहीं दी, किसी का घर गिराया सामने, हाथी का घर गिराया, इस पर वन विभाग वाला आपके संपर्क नहीं किए, मतलब वन विभाग वाला कुछ नहीं किए, डर के मारे यहाँ आया तक नहीं,
वन विभाग वाले, वन विभाग वाले को अगर हमने इन्फॉर्म किया ना तो बोला कि अरे तुम लोग को बोलते हैं कि घर के अंदर रहो, घर के अंदर, और हाथी घर भी गिरा दिया तो अब आदमी कहाँ रहेगा, अंदर ही रहेगा ना। सवाल अच्छा है इधर, अगर हाथी घर गिरा दे यार तो ये लोग घर छोड़ के कहाँ जाए बताए जंगल। वो बोलते घर में रहो, घर में रहो, क्या हम लोग हाथी को दौड़ाने के लिए जंगल तो नहीं देते, घर में थे। और घर इतना क्षतिग्रस्त हुआ है कि बाल बाल बच गए, लोग सात छह आदमी था, एक कोना में दबक कर रह गया। उसके वन विभाग वाला इधर आए भी नहीं, देख रेख किया भी नहीं। ममता देवी को वाला इन्फॉर्म हम अपने से किए थे, आप अपने से? हाँ हमने किया था, ये तो नहीं बोला था हमने किए थे, लेकिन वो बोला कि नहीं ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, और अभी तक कोई सुनवाई हुआ है। तो ये एक वन विभाग का भी नाकामी है, क्योंकि जैसे वो बोलते हैं घर में रहे घर में, तो क्या घर में पैर लग गया था, वो चलते चलते जंगल पहुंच गया था क्या घर, वहाँ पे हाथी आके ना घर को तोड़ के गया, और वो लोग घर में ही थे। लगभग डेढ़ बजे रात को घर गिरा, डेढ़ बजे रात, और अभी तक इस पर कोई कोई सुनवाई नहीं, कोई किसी तरह का ही नहीं। तो वन विभाग से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, ताकि जो इनका क्षति हुआ है उनका भरपाई किया जाए, क्योंकि ये हाथी का ये तत्कालीन अभी तत्कालीन ये रहता है दूसरा घर में रहता है, और छत के ऊपर प्लास्टिक का कुंभा जो होता है ना वो तिरपाल टांग कर रहा, मतलब प्लास्टिक का कुंभा बना बना के रहता है। और इस पर विधायक पास गए, बट वो विधायक पास हम अपने समय गए। तो विधायक जी आपसे अनुरोध है कि लोग आपके पास गए क्योंकि वन विभाग वाला इनके बात नहीं सुने, तो आप एक विधायक हैं और आपका पावर आपको पता है कि कितना पावर है आपके पास, तो आप वन विभाग को संपर्क कीजिए कि आपके द्वारा आपके प्रॉपर्टी हाथी जितने भी जंगली जानवर है वन विभाग के अंदर में आते हैं, तो आप ही के द्वारा इसका घर का क्षति हुआ है, तो उस घर के जो क्षति हुआ है उसका हर्जाना भरे, ये आपका कार्य है, क्योंकि ये वन विभाग पास नहीं गए तो ये लोग कुछ किए नहीं, वो तो आए भी नहीं है, इसलिए ये लोग आपके पास गए। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस पर आप संज्ञान लें और कार्य इन लोग को जो घर का क्षति हुआ है वो घर का पूर्ति करें, नहीं तो मैं फिर आऊंगा यहाँ पे वीडियो बना के लिए और फिर वीडियो बना के जाऊंगा। और ये आपको जल मीनार आपको दिख रहा है, ये इतना दिन से खराब है, और सीओ वीडियो साहब आए और देख के गए कि बना बन जाएगा चार दिन में, ना यहाँ से कोई मशीन ले गए हैं रिपेयरिंग करने के लिए, ना अभी तक, आज 21 तारीख है और मैं 1 फरवरी को वीडियो अपलोड किया था, तो उसके दूसरे दिन जैसा इन लोग बताए कि आए थे, या तो 2 फरवरी या 3 फरवरी को आए होंगे, तो आज 21 तारीख है, 20 दिन होने चला, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। पीने का पानी का व्यवस्था किसी तरह का नहीं, कोई पीने का पानी, पीने का पानी हम लोग अभी कुआं से, जब कुआं पहले था भरा हुआ कीड़ा मकोड़ा उसमें जब कीटाणु था, उसको अपने से ब्लीचिंग पाउडर मंगवा के दिए और साफ किया, वहीं से पी रहे हैं, वहीं से मतलब पी रहे हैं। वो भी नहीं खुलता है पानी, तभी कहाँ खुलेगा, अभी पानी खुलिए नहीं इतना बड़ा बस्ती में, कहाँ एक ही कुआं, एक ही कुआं, और आप लोग सब एक ही कुआं पानी लगा, दूसरे कुआं है उसे कहाँ से देगा पानी पीने के लिए, दूसरा कुआं वो भी गाली देता है, उसका पानी पटवाता है। इस पर आप विधायक को क्या कहना चाहिएगा, वो भी एक महिला है, वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, हम लोग अब वोट नहीं देंगे, जब हम लोग का दुख दर्द नहीं समझती है हम लोग कहे देंगे वोट, जब वोट लेने का टाइम आता तब बोलती है सब समस्या दूर करेंगे महिला सब, पानी समस्या क्या समस्या हम लोग को दूर नहीं, हम लोग छोटा छोटा, हम लोग का छोटा छोटा बच्चा नदी नहाने के लिए जाता है, अभी तो सप्लाई पानी घुसा है, और जिस दिन नहीं आता उस दिन हम लोग क्या करते, कई दिन टंकी रहेगा अच्छा तब ना हम लोग नहाएंगे, तब ना बच्चा सब नहाएगा, तब ना टाइम पे स्कूल जाएगा, कि नहाने जाएगा नदी और स्कूल कब जाए, तो अभी सप्लाई पानी आ रहा है, अभी आता है कभी कभी, एक दो दिन नहीं आया अभी तक, देखिए वो चीज है कि कभी खराब भी होता है बीच बीच में, पांच छह चीज है ना, तो नहीं आता पानी, नहीं आता तब दिक्कत होता है, हम लोग नदी जाते हैं नहाने के लिए बच्चा सबको लेके, छोटा छोटा बच्चा सब, और पीने का पानी हम लोग कुआं से लाते हैं, तो बात बोली सुन के लड़ाता, इतना बड़ा बस्ती का अगर आदमी हम लोग जाएंगे कुआं के पास तो नहीं बोलेगी, उसका कुआं है, सब्जी लगाती बर्बाद होगा तो बोलेगी ना। विधायक जी आप भी जरा सुनिए, ये लोग पानी लाते हैं महिला हो के दूसरे कुआं से गाली सुन के, आपके उस वीडियो में एक महिला ने आपको अपने गुस्सा से जो वर्ड कह दिया तो उस पर आपको आपका छवि खराब हो रहा था, इससे इन लोग का छवि खराब नहीं हो रहा है, ये लोग जो दूसरे के कुआं से पानी लाते हैं वो भी गाली सुन के, और आप यहाँ पे आए थे और वादे करके गए हैं कि सब समस्या दूर कर देंगे, तो आप तो कुछ समस्या दूर अभी तक किए नहीं है, 2 साल हो गया,
और 3 साल बचा हुआ है और इन लोग तो अभी ये निर्णय दे दिए हैं कि अब वोट नहीं देंगे, क्योंकि जनता को आप एक ही बार लुल्लू बना सकते हैं, दोबारा नहीं बना सकते। और आप इसी तरह बने रहिए ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। जय हिंद।